तो नू में बुलडोजर एक्शन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस अरुण पल्ली ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार चीफ जस्टिस ही इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, इससे पहले कोर्ट ने बीते सोमवार को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए कई सख्त टिप्पणियां की थी। जस्टिस जी एस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या वो किसी एक खास समुदाय के लोगों के हैं, क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था और कोर्ट ने इसे जारी करते हुए अपने आदेश में कहा था कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और क्या इसके बाद एक सवाल यह भी पूछा गया था, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हलफनामा पेश करने के लिए निर्देश जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि पिछले दो सप्ताह में नूह और गुरुग्राम दोनों में कितनी इमारतें ध्वस्त की गई हैं और क्या बुलडोजर एक्शन से पहले कोई नोटिस भी जारी किया गया था। Z News।